नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमएसएससी नोट्स में। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने यहाँ पर आया हुआ हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, भारत देश में या यूं कह सकते पूरे विश्व में इस समय जो महामारी फैली हुई है, जिसका नाम है कोरोना वायरस, ठीक है, तो हद से ज़्यादा फैली गई है। जैसा कि आप जानते हैं, इटली हो गया, अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, भारत समेत कई दक्षिणी एशिया, दक्षिण में और दक्षिणी अफ्रीका के कई देशों में आपके कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ता चला जा रहा है। तो उससे संबंधित बहुत सारी सावधानियां, जैसे कि आप लोग न्यूज़ में देखते होंगे, कई सावधानियां बरतने की बात हो रही है कि कौन कौन सी सावधानियां हैं। जैसे कि बोला जा रहा है कि इस तरीके से मास्क का प्रयोग करना है, सैनिटाइजर यूज़ करना है, ठीक है, हैंड वॉश करना है, हाथ प्रॉपर तरीके से धोते रहना है, ठीक है, खाना खाने से पहले अगर किसी से हैंड शेक कर रहे हैं तो वहाँ पर हम लोग को क्या करना है, हाथ धुलना है, और कुछ भी कहीं भी कहीं भी जाना है तो हाथ धुल के और कहीं पे मिलना है, ठीक है, पब्लिक प्लेस पे जाने से बचना है। ये सारे जो हैं, हमारी महामारी जब फैलती, तो आप लोग को पता है कि महामारी का जो लक्षण होता है, कि आप लोग ने बचपन में पढ़ा भी होगा कि महामारी का मतलब क्या होता है, कि जो छुआछूत यानी किसी के छूने से जो आपको आ जाए, अगर कोई उसमें अगर संक्रमित है, अगर आपको छू लेता है तो वो आपको भी हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से महामारी, और जैसा कि आप लोग न्यूज़ में सुन रहे होंगे कि भारत के लगभग लगभग कई राज्यों में या लगभग लगभग सभी राज्यों में इसको महामारी घोषित कर ली गई है, स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई हैं, फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं, टूरिस्ट प्लेस जहाँ पे मतलब भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहाँ पर कर्फ्यू टाइप लग चुका है, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं। तो ये तो बात हो गई कोरोना वायरस से संबंधित। यहाँ पे जो हमारा मेन वीडियो का जो टारगेट है वो ये है कि आप अभी मार्केट में जाते हो, जैसे बोला गया है ना सैनिटाइजर वगैरह यूज़ करने के लिए, तो जैसे कि मैं खुद गया था मार्केट में लेने के लिए, तो उसका प्राइस 300, 350, 400 अमेज़ॉन पर भी चेक कर रहा हूँ, तो ऐसे 400, 500 मतलब ऐसे करके सैनिटाइजर्स मिल रहे हैं मार्केट में। मास्क हो गए, मास्क की भी कीमत आप जो 10 रुपये 20 रुपये के मास्क थे उनको आज 100 रुपये 150 रुपये 200 रुपये में मिला जा रहा है, जो 40 रुपये का मास्क है उसको 400-500 में बेचा जा रहा है, ठीक है। तो ब्लैक मार्केटिंग बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है इस जगह पर। तो हम लोगों को करना क्या है, तो सैनिटाइजर के लिए मैं यहाँ पे आप लोग को सबसे आसान और सरल तरीका बताने वाला हूँ कि कैसे सस्ते से सस्ते में, यानी आप लोग लगभग 20-25 रुपये में आप एक बढ़िया सैनिटाइजर यूज़ कर सकते हैं, बल्कि आप उसी में अपने पड़ोसी को भी दे सकते हैं, ठीक है, यानी मात्र 20 रुपये में आपको मिलेगा, आप पड़ोसी को भी दे सकते हैं उतने में, ठीक है, मतलब बहुत ढेर सारी क्वांटिटी में बन जाएगा। देखिए, उसके लिए आप लोग को चाहिए क्या, मैं बता दे रहा हूँ, ये एक स्प्रिट है जो नॉर्मली किसी भी मेडिकल स्टोर पे आपको मिल जाएगी। स्प्रिट जानते हैं जो डॉक्टर वगैरह यूज़ करते हैं, कभी भी आप लोग किसी भी मेडिकल में गए होंगे, कभी चोट लगी होती है तो डॉक्टर्स लोग स्प्रिट यूज़ करते हैं, तो ये आपका ये नॉर्मल एक स्प्रिट है जिसकी कीमत 10 रुपये है, ठीक है। नॉर्मली आप किसी भी मेडिकल स्टोर पर जाएंगे 10-15 रुपये में ये पूरी स्प्रिट की बोतल आपको मिल जाएगी, ठीक है, जिसको रबिंग एल्कोहल भी बोलते हैं, ठीक है। दूसरी आपको चीज़ की ज़रूरत है वो है ये एलोवेरा जेल की, ठीक है। एलोवेरा जरूरी नहीं है कि ये खरीदा ही जाए, मेरे पास था क्योंकि यूज़ होता है घर में, मैं वहाँ से उठा लाया, ठीक है। बाकी अगर आपके छतों पे, आपके अगल बगल किसी पड़ोसी के पास भी, ठीक है, तो आपको वहाँ पर अगर मिल रहा है सैनिटाइजर्स के लिए, तो आप वहाँ पर क्या कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं, वहाँ से मांग सकते हैं या अपने घर से तोड़ सकते हैं, उसका आप लोग एलोवेरा जेल निकाल सकते हैं, ठीक है। तीसरी चीज़ आपको चाहिए ग्लिसरीन, ये भी मुझे 10 रुपये में मिला है, ठीक है, मैं भी ये भी वही मेडिकल स्टोर पे ही मिल गई थी मुझे, ये भी 10 रुपये में मिली है, और 10 रुपये में ये 10-10-20 रुपये, बाकी ये जो आपका एलोवेरा है ये हो गया आपका घर का, अगर मिल गया तो फ्री में, ठीक है, बाकी अगर आप लोग यूज़ करते हैं तो आप लोग वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तीसरी चीज़ की चाहिए आपको जरूरत होगी वो बोतल की, ठीक है, जो बोतल है या जो बॉटल है, नॉर्मली अगर आपके घर में तेल की जो बोतलें होती हैं छोटी छोटी, ठीक है, जो ड्रॉप्स के लिए होती है ना, जो ढक्कन खोलो और ऐसे टिप 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 करके निकलती है वो वाली, तो मेरे पास ये देखिए एक बोतल ये रखी थी, मैंने आपको के लिए यहाँ पर एक बोतल खोज के निकाली है ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि आप इसके यूज़ से कैसे कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको एक चीज़ और चाहिए होगी पानी की, ठीक है, तो पानी को आपको करना है क्या करना है, जैसे ये आपका एलोवेरा है, आप इसमें एलोवेरा मिलाइए, जैसा कि मैंने यहाँ पे एलोवेरा और मतलब जितना एलोवेरा है उस पर थोड़ा सा पानी, पानी कैसा होना चाहिए आपका, फिल्टर्ड होना चाहिए, ठीक है, ऑरो का पानी होना चाहिए ताकि ज़्यादा अच्छा रहेगा, मिला लिया। अब उसके बाद करना क्या है, अल्कोहल और पानी को मिला लिया है, ठीक है, एकदम गाढ़ा पेस्ट बन जाएगा, ठीक है, उसको क्या करना है यहाँ पे मिला लेना है दूसरी ग्लास में, प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है, यहाँ पे एलोवेरा और क्या है यहाँ पर पानी का पेस्ट मैंने मिला दिया इसमें। उसके बाद अब आपको क्या चाहिए, ये जो स्प्रिट की बॉटल है इसको खोलेंगे और ये पूरा का पूरा इस पे हम डाल देंगे, जितनी स्प्रिट होगी उतना ही यहाँ पर आपका
जो एलोवेरा का जो पेस्ट होगा उसका 50%, ठीक है, स्प्रिट का 50% यहाँ पर एलोवेरा के साथ। अब यहाँ पर ये मिल गया, ठीक है। उसके बाद आपको क्या चाहिए, यहाँ पर आपको चाहिए एक चम्मच ग्लिसरीन। ये इसलिए होता है थोड़ा सॉफ्टनेस बढ़ाने के लिए, ठीक है, क्योंकि आपको पता है स्प्रिट जो होती है वो थोड़ा सा हार्ड होती है, एल्कोहल होता है, तो आपकी जो सॉफ्टनेस हाथ से ना जाए, इस वजह से हमारा यहाँ पर क्या होता है, ग्लिसरीन का हम लोग यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें, इतनी चीज़ें हमने यहाँ पर डाल ली। यहाँ पर आपका इसको मिला लेंगे अच्छे से, ठीक। इसको जब अच्छे से मिला लेंगे तो मिलने के बाद ये आपका एक तरीके सैनिटाइजर्स आपका यहाँ पर निर्मित हो गया, ठीक है, पूरी तरीके से आपका सैनिटाइजर बन गया। तो कितना समय लगा होगा, मुश्किल से 2 से 3 मिनट लगा होगा सैनिटाइजर बनाने की प्रक्रिया में, कि आप यहाँ पे स्प्रिट डाले, आप एलोवेरा डाले और ग्लिसरीन डाल दिए, आपका बन गया, ठीक है। और इस सैनिटाइजर में आपको सबसे अच्छी बात यह है कि आपको पता है कि इसमें क्या क्या मिला है। स्प्रिट मिला है, आपको पता है कि जो ये जो स्प्रिट होता है या रबिंग एल्कोहल होता है, ये आपके बैक्टीरिया को तुरंत मार देता है। साथ ही साथ आपका जो एलोवेरा होता है, ये भी आपका बैक्टीरिया पर काम करता है, बैक्टीरिया को मारने का काम करता है, और आपकी सॉफ्टनेस भी आपको बनाता है ये एलोवेरा। बाकी आपके पास ये क्या है, ग्लिसरीन है, ये आपकी सॉफ्टनेस बनाए रखेगा, ठीक है। तो ये आप पूरी तरीके से आप देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में आपका ये सैनिटाइजर तैयार हो चुका है, ठीक है। इसको आप लोग यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए, सैनिटाइजर और हैंड वॉश, इसको अब ऐसा नहीं है कि इससे आप हाथ धुल लें, ठीक है। कहने का मतलब ये क्या होता है कि जैसे आप कहीं बाहर हो जहाँ पे पानी नहीं है, ठीक है, जैसे आप बस में हो, ट्रेन में हो, कहीं पर भी है, नॉर्मली आप ट्रेवल कर रहे हो या किसी से हाथ मिलाया, ठीक है, हैंडशेक किया, बाद में क्या करेंगे, सैनिटाइजर निकाला, हाथ में लिया, रब किया, बस छोड़ दिया, ठीक है, धुलने की जरूरत नहीं होती है। और हैंड वॉश में क्या होता है, एज अ साबुन जैसे होता है ना, साबुन आपने हैंड वॉश के ले लिया, उसको रब किया, पानी के साथ धुलना होता है उसको, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। अब क्या करना है, नॉर्मली जो बोतल है तुम्हें आपके पास या कोई भी किसी तरीके की बोतल, जैसे मेरे पास ये कॉलिन की बोतल थी, ठीक है, तो मैंने निकाल लिया, इसको इसमें डाल देंगे, ठीक है। ये आपका यहाँ पर पूरी तरीके से इसमें मिल गया, ठीक है। अब आप इसको सेक भी कर सकते हैं, क्योंकि अब इसको आसानी से आप सेक कर सकते हैं। सेक करने से क्या होता है, जो आपका एलोवेरा वगैरह है वो आपका आसानी से जिससे मिल जाए, ठीक है। इसको सेक कर लिया, अच्छे से सेक कर लीजिए ताकि अच्छे से मिल जाए, ठीक है। अब इसका आप नॉर्मली इस तरीके से अपने हाथ पे डाल के इसको आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसे रब करिए अच्छे से, ठीक, और उसके बाद रब करने के बाद अपने चारों तरफ, मतलब पूरी तरीके से जहाँ जहाँ आपको लग रहा है तो वहाँ वहाँ कोने कोने तक अपने हाथों में पूरा रब करके छोड़ दीजिए। और खुशबू बड़ी अच्छी आती है, क्योंकि ग्लिसरीन वगैरह भी मिला हुआ है तो खुशबू अच्छी है। तो ये चीज़ देखिए, सूख गया तुरंत, ठीक है, हाथ सूख गया, अब आप कुछ भी काम कर सकते हैं, आपके पास यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बड़ा ही आसान तरीका है, ये आपके पास पूरा एक बॉटल सैनिटाइजर बन गया, जिसकी कीमत मार्केट में आपको 400 से 500 रुपये, 200, 300, मतलब जो जैसे दे रहा है, जो जैसे बेच लिया, जो जिसको जैसे जो पहना दिया, ठीक है। तो आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, लेकिन यूज़ ज़रूर करिए। आप घर पे बना सकते हैं, 10 रुपये की स्प्रिट ले आइए, और आपके पास एलोवेरा होगा घर पे, और ग्लिसरीन ले आइए, ठीक है। अगर ग्लिसरीन नहीं है तो इसका भी एक ऑप्शन है, कि अगर आप घर में तेल वगैरह अगर यूज़ करते हैं, नॉर्मल तेल यूज़ करते हैं, जैसे अगर कोई भी तेल यूज़ कर रहे हैं नॉर्मल, जैसे अगर गरी का तेल यूज़ कर रहे हैं या नारियल का, ठीक है, मतलब कोई भी तेल यूज़ कर रहे हैं, उसको आप 2-3 ड्रॉप आप तेल भी डाल के यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जिससे आपका जो मॉइस्चर है वो बना रहे आपके हाथों में, ठीक है। तो ये पूरा आज का जो, और हाँ एक चीज़ और, जो मास्क वाली बात थी, जैसे अगर आपको मास्क नहीं मिल रहा है मार्केट में, जैसे कि बताया गया है कि मास्क अवेलेबल नहीं है, ख़त्म हो चुका है, तो आप लोग नॉर्मली जो आपके पास जो हाथ की जो रुमाल होती है, जिसको हम लोग कॉटन का जो कपड़ा होता है, इसकी जो रुमाल होती है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसको अच्छे से सेवलॉन या डेटॉल में धुल दीजिए, ठीक है, धुल के बाद अच्छे से धूप में सुखाइए और इसका प्रयोग कीजिए। नॉर्मली कहीं बाहर जा रहे हैं तो इसको आप ऐसे मुंह पे बांध सकते हैं, ठीक है, और ऐसे बांध सकते हैं, बाहर घूम के आए दिन भर से, उसके बाद फिर से इसको क्या करिए, वही डेटॉल में धुल दीजिए और धूप में सुखा दीजिए। और अगर नहीं कर सकते, दिन भर जैसे बाहर हैं, कई बार यूज़ करना है, अगर आपके पास हाथ में अगर सैनिटाइजर है तो इसको 2-3 बार इसमें ऐसे मार लीजिए, ठीक है, उससे क्या होगा, उससे ये फिर से इसमें जो बैक्टीरियाज जमे होंगे वो मर जाएंगे, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल सा एक मेरा ये वीडियो था, थोड़ा सा आप लोग को अवेयर करने के लिए, कि आप लोग इसका प्रयोग जरूर करिए, सैनिटाइजर का यूज़ जरूर कीजिए, वैसे नॉर्मल भी यूज़ करना चाहिए,
ठीक है, जैसे कहीं भी हम नॉर्मल बाहर जा रहे हैं, छींक आ रही है, आप ऐसे करते हैं तो हाथ गंदा हो जाता है, तो उसके बाद आप यूज कर सकते हैं जिससे आपके बैक्टीरिया मर जाए। ठीक है, तो एक छोटा सा आपके लिए नॉलेज था, आप छोटा सा ज्ञान का वीडियो था, वीडियो पसंद आया, पहले ये सबसे ज्यादा जरूरी वीडियो ये है कि इसको आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, अपने सभी दोस्तों को बताइए और सभी को बताइए कि इसका प्रयोग क्या होता है, इसका यूजेस क्या होता है। ठीक है, बाकी अवेयर रहिए, सतर्क रहिए, बाकी सारी चीजें बहुत अच्छी है। ठीक है, बाकी पढ़ते रहिए मन लगा के, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, कोई अगर कुछ भी समस्या आ रही है तो कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।